Jazz Weekly Social Plus Offer Jazz Super 4G. मुझे लग रहा है कि क्रोकोडाइल पानी पी रहा है. दिखाइए. वाह, जबरदस्त. What do the emojis say? Dhani, बड़ा सिंपल सा राउंड है, बहुत सिंपल सा सेगमेंट है ये. हम आपको इमोजीज दिखाएंगे और वो इमोजीज जो हैं वो मिल के कोई मुहावरा बन रहा होगा और आपने गेस करना है इमोजीज को देख के कि ये कौन सा मुहावरा है. कर लेंगे? लगता तो मुश्किल है लेकिन कर लूंगा. परेशान क्यों हो गए? बड़ा आसान से बहुत सिंपल सिंपल है. और इमोजीज मैं आपको दिखाती हूँ. पहली इमोजी जो है वो ये वाली है. समझ में आया कुछ? थोड़ा सा आ गया. क्या है ये? क्रोकोडाइल. नहीं तो ये मुहावरा क्या है? ये दोनों तस्वीरों को देखें और बताएं ये कौन सा मुहावरा है. सोचे सोचे. ये साथ तो आपको नजर आ ही रहा होगा, आंसू निकल रहे हैं. जी बिल्कुल ऐसे ही है. मुझे लग रहा है कि क्रोकोडाइल पानी पी रहा है. आई थिंक मैं आपकी थोड़ी हेल्प करती थी इस वाले में. ये है आंसू और ये है मगरमच्छ. समझ आया दोस्त? चले मगरमच्छ के आंसू. जी ओके. गुड. चले अब ये तो आपसे गेस नहीं हुआ तो अब आपकी पनिशमेंट ये है कि आपने इसमें से एक चिट उठानी है और आपने देखना है कि इनमें से कौन सा प्रॉप आपको पहन के रखना है अब में. ठीक है, चले चले. दिखाइए. करना तो पड़ेगा. मस्टैश. चले आज हम आपको बढ़िया एक नई लुक है आपके लिए. ठीक है, इसको लगा भी लें. अभी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कैसे लगाते हैं ये, लेकिन ये आपने लगानी है. अब ये आपकी नई लुक है. मुझे भी नहीं, देख लेंगे. मुझे भी नहीं पता. नया कंपटीशन आ गया आपके लिए. हाँ जी. क्या बात है, जबरदस्त. जबरदस्त. चले अगला इमोजी मैं आपको दिखाती हूँ. अब आपने बताना है ये कौन सा मुहावरा है. ठीक है, ये आपने पहन के रखनी है. गिरेगी तो एक और पेनल्टी है इसकी. अच्छा, दूसरे वाला है ये. बताएं जी, थोड़ा सोचना पड़ेगा इस पे. ये तो गिर गया. चले रख दे रख दे. ये वाला बताएं. ये भी एक जानवर है. जी ये तो एक भैंस. जी और गुड गोइंग. उसके साथ है सिगार. हाँ वैसे दैट डज लुक. और उसके साथ है म्यूजिक. थोड़ा सा और सोचे. भैंस के आगे जब आपकी बात नहीं कोई कुछ पहले पड़ा कुछ तो पड़ा कि भैंस के सामने आवाज म्यूजिक बजाना बेकार है. समथिंग लाइक दैट. कौन सा म्यूजिक? एक खास इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिक का जो आप भैंस के आगे बजाते हैं. ओ बांसुरी. चले ये आप ऑलमोस्ट पहुंच गए थे. भैंस के आगे बीन बजाना. भैंस के आगे बीन बजाना जब अंपायर आपको ना दे रहा. ऑलमोस्ट करीबी था. चले दूसरा उठाइए भाई प्रॉप अपना. क्या निकलेगा इसमें? किंग का ये फिर से हम लोगों ने अभी ये शान ने भी यही पकड़ा हुआ था. अच्छा पकड़े यही है. और आज आप बादशाह हैं. ये आपका थैंक यू तख्त है. थैंक यू सो मच. चले अगली इमोजी देखते हैं कौन सी है. ये बताइए. ये तो घर और मुर्गा और ये है आई थिंक चाय. नहीं कुछ खाने की चीज है. हाँ जी है तो खाने की चीज. ये दाल ऐसे. हाँ जी. ओ घर की मुर्गी दाल. वेल डन वेल डन. चले ये वाला तो बहुत
गुड जॉब इसमें आप बच गए अब आपको, वरना हमने ये जो दूल्हे वाला पड़ा हुआ है ये चले, ये तो बहुत आसान है। ये क्या है? ये तो चांद है। कितने? चार चांद। धानी ने इस शो में आके चार चांद लगा दिए, तो ये वो है, बहुत आसान था ये तो। अगला देखते हैं ये क्या है। ये देखते हैं आपको आता कि नहीं। बादल, बारिश और मल्टीप्लाई, थोड़ा सा और डीप जाए इसमें। क्या मीनिंग क्या है? बादल में क्या हो रहा है? बादल में बारिश हो रही है। एक में हो रही है ना, और एक दूसरे बादल में क्या हो रहा है? एक में बारिश हो रही है, हाँ। और एक में हल्का सा सूरज निकल रहा है। नहीं चले, लास्ट अटेम्प्ट है आपका, एक दफा गेस कर ले। ये थोड़ा सा वैसे ट्रिकी हो सकता है, ये इमोजीज में एक्सप्लेन करना थोड़ा। पहले में तो थोड़ा सा बादल छाए हुए हैं, उसके साथ तो बारिश। बादल क्या कर रहे हैं? गरज रहे हैं और बारिश हो रही है, तो जो गरजते हैं तो वो बरसते हैं। नहीं बरसते थोड़ा सा उल्टा हो गया, लेकिन आप पहुंच गए थे वहां पे, तो पेनल्टी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ी तो आपकी मैंने हेल्प की थी। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ऐसा कौन सा प्लेयर है वैसे जो गरजता है लेकिन बरसता नहीं? खतरनाक सवाल मैं पूछ रही हूँ अपने सिली मूड ऑन में बुला के आपको। हंस तो आप रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई है आपके दिमाग में। अच्छा चलो, ऐसे तो नहीं है। गॉगल्स पहनेंगे आप, ये ले जी, ज्यादा बड़े नहीं है, और ये मैच भी हो रहे हैं आपकी शर्ट के साथ। नहीं ये पहनेंगे यहाँ पे, पहनेंगे ऐसे नहीं करें पहने मैंने। वाह जबरदस्त, अब आपने ये पहने रखना है, क्योंकि हमारा एक और रह गया है बस। लेकिन नजर भी आना चाहिए ना कुछ, तो आ रहा है ना नजर, ये चले आप उतार लेंगे, आपको नजर नहीं आ रहा तो ये अगले राउंड के लिए, अगले सवाल के लिए उतार लें। ओके, लेकिन ये आपने गेस करना है धानी, ये तो हाथी, दांत और आग और चाकू, ऐसी है। ये तो वो बना है, कांटा और छुरी बनी हुई है, इसका मतलब है खाना। जी जी जी, इससे ये तो बताएं क्या क्या बन रहा है? ये बन रही है और हाथी दांत और ऑमलेट आंख। ऑमलेट, हाथी का ऑमलेट, हाथी का आपने ऑमलेट बना दिया? नहीं ये आंखें। अच्छा वो आंखें, वो अंडे नहीं है। जी आंखें हैं, वो आंखें हैं, मैंने तो बोला है दांत हैं और प्लस में आंखें। ऑमलेट आपने कहां से निकाला? आई थिंक मैंने जब को भूख लगी है तो हम एक ब्रेक लेते हैं, इनके लिए ऑमलेट बनवाते हैं हाथी का। जी मैंने जब ये देखे तो मैंने बोला ये ऑमलेट, वो कंफ्यूज हो। जी 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 ठीक है, चले एक आखिरी अटेम्प्ट मैं आपको दे रही हूँ, वरना फिर मैं ये भी नहीं करूँगी, फिर मैं अपनी मर्जी का प्रॉप निकलवा के आपको पहनाऊंगी। हाथी, दांत, आंखें और कांटे और चाकू। इसका जब मैं बता दूं, हार मान ली। जी जी जी, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, यही है ना? बिल्कुल यही है। तो बस फिर आखिरी प्रॉप अब देखें आपने कौन सी पनिशमेंट मिली आपको। अच्छा ये पहन के अच्छा ये क्यों? ये तो मैंने खाली उस वक्त उतरवाया था ना। अच्छा, वैसे रूल नहीं है ये। अच्छा चलें, क्राउन बादशाह तो आप पूरे बन रहे हैं, आपका क्राउन भी आ रहा है। क्राउन किधर है जी? ये है शायद, इसको पहनना कैसे है? चले जी जबरदस्त, वाह वाह, आ जाएगा पूरा। वाह क्या बात है जबरदस्त, नहीं लग
नहीं लग रहा। चले चले, थैंक यू। ये वाला तो हमारा सेगमेंट जो है वो कंप्लीट हो गया है इमोजीज वाला। मुझे लगता है आइंदा के बाद अब दहानी जब भी टेक्स्ट कर रहे होंगे तो वो इमोजीज को बहुत गौर से देखेंगे, क्योंकि आज इनको काफ़ी इमोजीज हमने दिखा दी हैं।